इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे एक्सेल फाइल के थ्रू हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिनकी एज बिलो 60 इयर्स है, वो अपने इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये तीन इनपुट्स के जरिए अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। और दोस्तों, इस एक्सेल फाइल में मैंने आपको रेफरेंस के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट्स भी बताए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, बजट 2020 में न्यू टैक्स स्लैब रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, और जो ओल्ड टैक्स स्लैब्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। तो हमारे पास चॉइस है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में कि हमें किस स्लैब रेट्स का इस्तेमाल करना है और अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो दोस्तों, जल्दी से मैं इस एक्सेल फाइल में थोड़े से लेबल्स ऐड कर देता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन प्रोसेस को समझने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरा फ्री एंड्रॉयड ऐप फिनकेल्सी भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको मदद करेगा अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो तीन इनपुट्स हैं वो लगेंगे आपके, जो कि आपको इनकम डालनी होगी आपके इनकम पे बेस। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए, वो आपको यहाँ पे डालना होगा, और अगर आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो दोस्तों, ओल्ड और न्यू स्लैब्स को लेकर जो हमारी इनकम होगी वो सेम होगी, जो कि हम इस सेल से लेंगे। तो हम क्विकली उसको डिफाइन कर देते हैं। और दोस्तों, ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब्स यूज करते हो तो ही आपको इन्वेस्टमेंट्स का फायदा मिलेगा दोस्तों, और अगर आप न्यू टैक्स स्लैब्स यूज करते हो, जो कि रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं, तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट्स या डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ओल्ड टैक्स स्लैब्स में हम इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिफाइन कर देते हैं, और न्यू टैक्स स्लैब्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगा, तो हम इसको जीरो रखते हैं। दोस्तों, ये जो टैक्सेबल इनकम है वो होगा इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स। तो हम उसको क्विकली फॉर्मूला डालते हैं। तो दोनों ही केस में दोस्तों, जो टैक्सेबल इनकम होगा वो होगा इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स। सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हमेशा हमेशा जीरो रहेगा, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो होगा जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ओल्ड टैक्स स्लैब्स में इन्वेस्टमेंट्स या डिडक्शंस का हम फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं यहाँ पे आपको इस स्लैब्स में बताऊंगा कि कैसे आपका कैलकुलेट होगा स्लैब्स। और उससे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो स्लैब 10%, 15% और 25% के हैं, वो हम जस्ट रेड मार्क कर देते हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स स्लैब्स में ये वाले स्लैब रेट्स नहीं है दोस्तों। तो हम सिर्फ इन स्लैब रेट्स का कैलकुलेट करेंगे ओल्ड टैक्स स्लैब्स में, जो रेड कलर है वो डिजेबल्ड है दोस्तों। तो दोस्तों, 5% का जो स्लैब रेट है वो है 2.5 लाख और 5 लाख के इनकम के बीच में। तो ये जो स्लैब रेट है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ओल्ड और न्यू के लिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कंडीशन है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो आप पर 5% का इनकम टैक्स लागू होगा। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन डालेंगे, हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि अगर टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो ये जो वैल्यू आएगी वो हम इस कॉलम से लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये जो है एडिशनल कॉलम्स हम यूज करने वाले हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो आप इस सेल से लोगे वैल्यू, और अगर 2.5 लाख के नीचे है तो ये फॉल्स वाले कॉलम से लोगे दोस्तों। तो फॉल्स वाला कॉलम जीरो रहेगा, क्योंकि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख के नीचे है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं करने वाला हूँ और आपको समझाने भी वाला हूँ, कि ये तो हमने देख लिया कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख के नीचे है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो दो कंडीशन है कि जो ये अपर लिमिट आपको दिख रही है 5 लाख की, क्या आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर भी है, हमें वो चेक करना है दोस्तों। तो इसका जो है टैक्सेबल इनकम, हम ये चेक करेंगे कि अगर वो भी 5 लाख के ऊपर है तो हमें क्या करना है दोस्तों, कि अगर आपकी इनकम 5 लाख के भी ऊपर है तो 2.5 और 5 लाख के बीच में 5% का इनकम टैक्स लागू होगा, वो कैलकुलेट करना है। तो अगर 5 लाख के भी ऊपर है तो जो 5 लाख की अपर लिमिट है उसको माइनस करेंगे हम 2.5 लाख रुपए से, तो जो वैल्यू आएगी सिर्फ उसी पे 5% का इनकम टैक्स लागू होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमें ये एक वैल्यू देगा, ठीक है, जो होगा 5% का इनकम टैक्स 2.5 और 5 लाख के बीच में। दोस्तों, दूसरी चीज,
अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं है, जैसे कि हमने देखा कि ये वाला जो सेल है 2.5 लाख के ऊपर है, चलो ठीक है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख है तो क्या होगा कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो आपकी जो हमने 5 लाख का एग्जाम्पल लिया था उसके जगह हम इस टैक्सेबल इनकम को लेंगे जो इस केस में 5 लाख के नीचे होगा। दोस्तों ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 4 लाख या 4.5 लाख या फिर 3 लाख भी हो सकता है। तो जो भी वैल्यू होगा उसको हम माइनस करेंगे 2.5 लाख से, जो कि लोअर लिमिट है, और उस पे हम 5% का इनकम टैक्स लागू करेंगे, जो कि मल्टीप्लाई होगा 5 से और डिवाइड होगा 100 से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम स्लैब 5% का जो कैलकुलेशन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हम 2 लाख की इनकम लेते हैं तो ये वाला चीज जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये 2.5 लाख के ऊपर नहीं है, इसलिए तो ये वाली चीज जीरो हो जाती है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा, इन कैलकुलेशंस पे गौर ना कीजिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस है ये टेम्पररी कैलकुलेशंस है, जो कि मैं यूज करूंगा ये नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो मेन जो चीज है आप ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 लाख के नीचे जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि ये फॉल्स है। और हम और एक चीज देखते हैं, अगर हम अपनी इनकम 4 लाख बताते हैं तो इस केस में क्या होता है कि ये वाली जो टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख के ऊपर हो जाती है, और उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो वो कंडीशंस के हिसाब से अगर 4 लाख की इनकम है तो वो यहाँ पे आता है, और अगर हम समझिए 6 लाख की इनकम बताते हैं तो उसी हिसाब से वो ये कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम स्लैब 5% का कैलकुलेशन न्यू टैक्स स्लैब्स के लिए भी कर देते हैं क्विकली। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, 5% का जो स्लैब रेट है ये दोनों ओल्ड स्लैब रेट्स और न्यू स्लैब रेट्स दोनों में अप्लाई होता है, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में, और इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी हमेशा। तो इस प्रकार से हमने न्यू टैक्स स्लैब्स के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं जो ये जो बाकी के स्लैब रेट्स हैं उसके लिए भी क्विकली कैलकुलेट कर देता हूँ जो भी अमाउंट होगा वो। और जैसे कि मैंने आपको कहा, ये जो रेड लेबल्स हैं उसके लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ओल्ड स्लैब्स जो है वो इस पे अप्लाई नहीं होते हैं। जो स्लैब 10%, 15% और 25% के डिफाइन किए हैं वो ओल्ड टैक्स स्लैब्स में नहीं आते हैं। तो क्विकली हम कैलकुलेट करते हैं ये सारे नंबर्स भी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं उसके हिसाब से ओल्ड और न्यू स्लैब्स में जो हमारा कंप्यूटेशन था वो। अब आते हैं हम टैक्स रिबेट पे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, टैक्स रिबेट तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख या उससे नीचे होगी। तो अगर आपकी ग्रॉस इनकम ये है तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो इतनी हो जाएगी, जो कि 5 लाख है, उसके हिसाब से 5% का जो इनकम टैक्स है वो होता है 12,500 का। और आपको टैक्स रिबेट तब मिलता है जब आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख या उससे नीचे है, और आपको मैक्सिमम टैक्स रिबेट जो मिलेगा वो होगा 12,500 का। तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपका मिनिमम जो जो इनकम टैक्स होता है वो 12,500 का होता है। तो हम इसके लिए भी कंप्यूट जल्दी से कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको टैक्स रिबेट 12,500 का मिल रहा है, अगर यही अगर हम देखते हैं 5 लाख के ऊपर की आपकी इनकम होती है तो आपका टैक्स रिबेट जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका स्लैब 20% जो है वो जीरो से आगे है, ज्यादा है, और स्लैब 10% भी यहाँ पे ज्यादा है, दोनों ओल्ड और न्यू स्लैब को अगर हम देखते हैं तो। दोस्तों दूसरी चीज आती है सरचार्ज 10% की। तो 10% और 50% सरचार्ज तभी अप्लाई होता है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख के ऊपर है और 1 करोड़ के ऊपर है। तो 10% का लागू होगा अगर 50 लाख के ऊपर आपका टैक्सेबल इनकम है तो, और 1 करोड़ के ऊपर है तो आप पर 15% का इनकम टैक्स लागू होगा दोस्तों। तो जिस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया है उसी तरीके से मैं जल्दी से इसको भी कैलकुलेट कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं, सरचार्ज 10 और 15% का भी कैलकुलेशन हमने डाल दिया है। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम आते हैं दोस्तों, जो कि है सेस, जो कि 4% का होता है। तो जो भी आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है, जो भी स्लैब परसेंटेज रेट्स के हिसाब से, और आपको अगर टैक्स रिबेट मिलता है क्या नहीं उसके हिसाब से, और सरचार्ज जो है उसको, सारी चीज़ों को पकड़ कर आपका सेस कितना होता है वो कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। तो जल्दी से हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है कि हमें सम निकालना होगा जो भी स्लैब परसेंटेजेस हमने कैलकुलेट किए हैं।
दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो इनकम टैक्स की आती है। तो हम एग्जाम्पल के जरिए 6 लाख का इनकम ले लेते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो इनकम टैक्स जो है वो इस प्रकार कैलकुलेट होगा कि आपको सम करना होगा, जैसे ही हमने सेस लिया था उसके हिसाब से। तो क्या होगा कि ये सारे चीज़ों का सम होगा, जो कि स्लैब 5%, 20%, 30%, सरचार्ज और ये सेस 4% का सम होगा दोस्तों। और दोस्तों ये सारी चीज़ें करने के बाद और एक चीज़ जो होगी वो ये होगी कि जो टैक्स रिबेट है वो हमें माइनस करना होगा। तो इस प्रकार से हमें इनकम टैक्स अपना मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट होंगी यहाँ पे, ये जो आपका है ये टोटल इनकम टैक्स बताएगा आपके इनकम के ज़रिए। और जो टैक्स रिफंड होगा दोस्तों वो इस प्रकार होगा कि आपका जो भी इनकम टैक्स है वो और ये जो TDS है वो। तो इसमें क्या होगा कि ये जो टैक्स रिफंड होगा, अगर ये TDS बड़ा है इनकम टैक्स से, तो जो बची हुई रकम है वो आपको मिल जाएगी टैक्स रिफंड, जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से। दोस्तों अगर आप देखते हो, अगर हम यहाँ पे TDS 35,000 की वैल्यू डालते हैं, तो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है जो कि 12,000 रुपये, आपका इनकम टैक्स जो होता है वो 33,800 होता है, लेकिन आपने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है 35,000 रुपये का, तो आपकी जो टैक्स रिफंड की वैल्यू होती है वो 1,200 रुपये की होती है। सिमिलरली आप जैसे न्यू टैक्स लैब्स में देख रहे हो उसके हिसाब से 11,600 की आपकी जो टैक्स रिफंड की वैल्यू है वो हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCareC TV को, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप देख सकें। धन्यवाद।